दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मूवी स्ट्यूब में। तो आज मैं सौ दो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करूँ, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैंने सौ वन को भी एक्सप्लेन किया है और आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा मूवी की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं और उसके गले पर एक ट्रैप लगा होता है जिसमें ढेर सारी नुकीली कीलें होती हैं। इसके बाद बाजू में रखा टीवी ऑन हो जाता है और हम लोग जिग्सॉ को देखते हैं। जिग्सॉ माइक को बताता है कि स्ट्रैप से निकलने की चाबी उसके आँख के पीछे है और उसके पास सिर्फ एक मिनट है। जिग्सॉ अपने स्ट्रैप का नाम वीनस फ्लाई ट्रैप बताता है। माइक एक मिनट में ट्रैप नहीं खोल पाता है और उस ट्रैप के क्लोज होने के कारण माइक की डेथ हो जाती है। मूवी को शुरू हुए चार मिनट नहीं हुए और हमें पहला डेथ सीन देखने को मिल जाता है। सीन चेंज होता है और हम डिटेक्टिव एरिक मैथ्यू को देखते हैं। मैथ्यू के रिलेशन अपने बेटे के साथ सही नहीं होते हैं और उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया होता है उसके अफेयर्स के कारण। मैथ्यू माइक की डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उसे माइक के डेड बॉडी पर पजल के निशान दिखते हैं। साथ ही सीलिंग पर एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है लुक क्लोजर। माइक की बॉडी को ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि जिस ट्रैप की वजह से माइक की मौत हुई है वो विल्सन स्टील नाम की कंपनी में बना है। इसके बाद मैथ्यू पूरी स्वॉट टीम के साथ सीधा विल्सन स्टील पहुंच जाता है। अंदर उन्हें जिग्सॉ मिलता है जो चेयर पर बैठा होता है। स्वॉट टीम उसे घुटने पर खड़े होने के लिए कहती है पर जिग्सॉ जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसे कैंसर है। मैथ्यू उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करता है पर जिग्सॉ कहता है कि उससे मैथ्यू से कुछ बात करनी है। इतना कह के वो सामने रखी चीज़ की ओर इशारा करता है। मैथ्यू जैसे ही कपड़ा हटाता है उसे ढेर सारे मॉनिटर्स दिखते हैं। मॉनिटर्स पर आठ लोगों का लाइव वीडियो चल रहा होता है जिसमें मैथ्यू का बेटा डैनियल भी शामिल होता है और वो सभी लोग किसी कमरे में बंद होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमें दो स्टोरी लाइन एक साथ देखने को मिलेंगी। पहली की उस रूम में उन आठ लोगों के साथ क्या हो रहा है और दूसरी की मैथ्यू और जिग्सॉ के बीच क्या चल रहा है। तो रूम में हम डैनियल और बाकी सात लोगों को देखते हैं जिन्हें जिग्सॉ ने उस कमरे में बंद कर दिया होता है। उनमें से एक लड़की का नाम एमेंडा होता है और वो बताती है कि वो पहले भी इस ट्रैप में फंस चुकी है और उन सबको पकड़ने वाला जिग्सॉ है। एमेंडा एक टेप रिकॉर्डर भी ढूंढ निकालती है जिसमें से जिग्सॉ की आवाज़ आती है और उन सभी लोगों को पता चलता है कि उस कमरे में लगातार पॉइजनस गैस छोड़ी जा रही है और दो घंटे में उन सभी लोगों की मौत हो जाएगी। उस गैस का एंटीटोट एक सेफ में होता है और इसे खोलने के लिए उन्हें कोड की तलाश करनी होगी। साथ ही जिग्सॉ उन्हें ये क्लू देता है। लास्ट क्लू होता है कि वो सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके बाद हम एक्सेवियर नाम के बंदे को देखते हैं जिसे एक नोट और एक चाबी मिलती है। नोट में साफ साफ लिखा होता है कि इस चाबी को डोर पर यूज़ नहीं करना है, पर वो सीधा जाता है डोर की तरफ और उस चाबी की मदद से डोर को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो चाबी को की होल में इंसर्ट करता है एकदम से दरवाजे के पीप होल से एक बुलेट फायर होती है और एक गस्त नाम के आदमी की डेथ हो जाती है। दूसरी ओर हम मैथ्यू और जिग्सॉ को देखते हैं। मैथ्यू जिग्सॉ से डैनियल की लोकेशन मांगता है पर जिग्सॉ उसे कहता है कि उसका बेटा सेफ रहेगा, बस मैथ्यू को जिग्सॉ से बात करनी होगी। जिग्सॉ मैथ्यू को बताता है कि उसका असली नाम जॉन है और वो अपने विक्टिम के बॉडी से पजल पीस काटता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके विक्टिम में खुद की जान बचाने की क्षमता नहीं है। सीन चेंज होता है और हम ट्रैप रूम का सीन देखते हैं। बचे हुए सात लोग एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक और टेप मिलता है जिसमें जिग्सॉ बोल रहा होता है कि दो एंटीडोट फर्नेस में हैं। और अब बारी होती है ओबी नाम के आदमी की। जिग्सॉ ये भी बताता है कि ओबी ने ही उसकी मदद की थी बाकी लोगों को पकड़ने के लिए और इसी कारण से जिग्सॉ उसे फर्नेस के बारे में बताता है जहां दो एंटीडोट हैं। एक वो खुद यूज़ कर सकता है और दूसरा वो जिसे चाहे उसे दे सकता है। ओबी फर्नेस के अंदर जाता है और दोनों एंटीडोट निकाल लेता है पर फर्नेस का दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाता है और अंदर आग लग जाती है। बाकी लोग उससे बचाने की कोशिश करते हैं पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और ओबी की आग के कारण मौत हो जाती है। इसके बाद हम जिग्सॉ और मैथ्यू को देखते हैं जहां पर जिग्सॉ उसे अपनी बैक स्टोरी बता रहा होता है। जिग्सॉ उसे बताता है कि उसका असली नाम जॉन क्रेमर है और पहले उसकी भी नॉर्मल लाइफ थी, पर जब उसे कैंसर हो जाता है तब उसका कोई भी साथ नहीं देता है। लाइफ से हार मानकर वो सुसाइड करने चला जाता है पर कार एक्सीडेंट में उसकी जान बच जाती है और तब से उसे जीने की नई उम्मीद मिल जाती है। वो उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो अपने लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करते। वो अपने विक्टिम को अपनी जान बचाने का एक मौका देता है और अगर वो अपनी जान नहीं बचा पाते तो उनकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर ट्रैप रूम में हम बचे हुए छह लोगों को दूसरे कमरे में जाते हुए देखते हैं। कमरे के अंदर दरवाजे पर एक टाइमर चल रहा होता है। वहाँ पर उन्हीं में से एक विक्टिम जिसका नाम जोनस होता है उसे एक टेप मिलता है और साथ ही एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर जेवियर का नाम लिखा होता है। टेप से हमें पता चलता है कि उस दरवाजे के बाहर एंटीडोट है और उस दरवाजे की चाबी एक इंजेक्शन से भरे गड्ढे में है।
टेप से ये भी पता चलता है कि अब जेवियर की बारी है खुद को साबित करने की, क्योंकि वो एक ड्रग डीलर था और एक ड्रग डीलर के लिए इससे अच्छी सज़ा कोई नहीं हो सकती है। जेवियर खुद ये काम नहीं करता है बल्कि इसके बदले वो एमेंडा को अंदर धक्का दे देता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद एमेंडा की को ढूंढ लेती है और वो की जेवियर को दे देती है, पर जेवियर टाइम पर दरवाज़ा नहीं खोल पाता है और दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दूसरी ओर मैथ्यू जिक्सॉ के सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि जिक्सॉ उसे उसके बेटे की लोकेशन बता दे, पर जिक्सॉ पर इसका कोई असर नहीं होता है। जिक्सॉ मैथ्यू को सारे विक्टिम्स के बीच का कनेक्शन बताता है कि मैथ्यू ने ही उन सभी को अरेस्ट किया था सिवाय डैनियल के, और अगर ये बात उन सबको पता चल गई तो डैनियल की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी ओर ट्रैप रूम में सब पर पॉइजनस गैस का असर होने लगता है और सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेवियर पहले कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उसे गस की डेड बॉडी मिलती है। गस के गले के पीछे एक नंबर होता है जिसे देखकर उसे जिक्सॉ का एक क्लू याद आता है कि नंबर्स आर इन द बैक ऑफ योर माइंड, विच मीन्स कि जितने भी लोग इस ट्रैप में फंसे हैं सबके गले के पीछे एक नंबर है और उन सभी नंबर को कंबाइन करके एक नंबर मिलेगा जिससे उस सेफ खुलेगा जिसमें एंटीटोड है। जैसे ही जेवियर को ये बात पता चलती है वो बचे हुए लोगों की जान लेना शुरू कर देता है ताकि उसे सेफ का कोड पता चल सके। सबसे पहले वो जोनस की जान लेता है और इसके बाद वो बाकी लोगों की तलाश करने लगता है। दूसरी ओर लॉरा की भी डेथ हो जाती है पॉइजनस गैस के कारण। आखिर में बचे होते हैं सिर्फ 4 लोग, एमेंडा, डैनियल, जेवियर और एडिसन। इसके बाद जेवियर एमेंडा और डैनियल का पीछा करता है ताकि वो उन्हें मार सके। साथ ही हम एडिसन को देखते हैं जो एक कमरे के अंदर पहुंचती है जहां उसे एक कांच के बॉक्स के अंदर एंटीटोड मिलता है। एंटीटोड देने के लिए जैसे ही वो अपना हाथ अंदर डालती है उसके हाथ के साथ ये होता है। इसके बाद जेवियर भी वहां पर आता है और एडिसन के गले के पीछे का नंबर देखने के बाद उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। जेवियर फिर से डैनियल का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर मैथ्यू इस सब मॉनिटर पर देख रहा होता है और गुस्से में आकर वो जिक्सॉ को बहुत टॉर्चर करता है ताकि वो उसे उसके बेटे के बारे में बता दे। जिक्सॉ मान जाता है और वो मैथ्यू को उस जगह पर ले जाता है जहां पर सभी लोगों को कैद किया गया था। मैथ्यू सीधा उस ट्रैप रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर हम अमेंडा और डैनियल को देखते हैं जो एक सीक्रेट दरवाजे से उसी इंडस्ट्रियल बाथरूम में पहुंच जाते हैं जिसे हमने 101 में देखा था। जेवियर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाता है। जेवियर उन्हें जान से मारने की धमकी देता है पर डैनियल जेवियर पर एक आरी से हमला कर देता है और जेवियर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम कुछ कॉप्स को उस ट्रैप रूम के अंदर पहुंचते हुए देखते हैं जहां पर उन्हें सेम मॉनिटर्स मिलते हैं जो विल्सन स्टील कंपनी के अंदर थे और साथ ही उन्हें कुछ DVD प्लेयर्स मिलते हैं। और यहां पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही ऑफिसर्स पॉज वाले बटन पर क्लिक करते हैं सारी लाइव स्ट्रीम एकदम से पॉज हो जाती है, विच इंडिकेट्स कि कभी भी ये सारी फुटेजेस लाइव थी ही नहीं। इनफैक्ट ये 8 लोगों के साथ खेला गया गेम 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया था और आज उसे प्ले किया गया मैथ्यू के सामने। मैथ्यू जैसे ही उस इंडस्ट्रियल बाथरूम में पहुंचता है उसे वहां पर सारे विक्टिम्स की 2 दिन पुरानी सड़ती डेड बॉडी मिलती है। आगे उसे एक बाथटब मिलता है जिसमें से एक हाथ बाहर निकला होता है। पास जाने पर एक अजीब सा पिग मास्क इंसान मैथ्यू पर हमला कर देता है और मैथ्यू बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हम विल्सन स्टील का सीन देखते हैं जहां पर टाइमर ख़त्म होने के कारण एक सेफ खुलता है जिसमें डैनियल बंद होता है ऑक्सीजन मास्क के साथ, यानी कि डैनियल शुरू से ही उस सेफ के अंदर बंद था और ये सब गेम प्लान किया गया था मैथ्यू को फंसाने के लिए। मूवी के एंडिंग सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं जो उसी बाथरूम में जागता है और उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें से जिक्सॉ की जगह किसी लड़की की आवाज़ आती है। वो आवाज़ होती है एमेंडा की और उस पिग मास्क के पीछे भी एमेंडा ही थी और 8 लोगों के गेम में शुरू से लेकर अंत तक एमेंडा जिक्सॉ के साथ मिली हुई थी। असल में एमेंडा भी जिक्सॉ की एक विक्टिम थी और जिक्सॉ ने उसे भी अपने ट्रैप में फंसाया था, पर समय रहते वो ट्रैप से बाहर निकल गई थी और तब से वो जिक्सॉ का साथ दे रही है और जिक्सॉ यानी जॉन क्रेमर की मौत के बाद वही उसकी जगह लेगी। एमेंडा मैथ्यू को उसी बाथरूम में मरने के लिए छोड़ देती है और दरवाज़ा बंद करते हुए ठीक जिक्सॉ की ही तरह बोलती है गेम ओवर, और मूवी जिक्सॉ की स्माइल के साथ ख़त्म हो जाती है। तो ये था सॉ 2 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चैनल से जुड़े रहें ताकि आप सॉ 3 का भी एक्सप्लेनेशन देख सकें। तो चलिए मैं निकलता हूँ, गुड बाय।